बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत त्यारा बरदार जंगी बहरी बेड़े बनाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले तैयार करदा त्यारा बरदार बेड़े INS विक्रांत का इफ्तिताह कर दिया है। इस बेड़े की इफ्तिताही तकरीब जनूबी भारत के कूची शिपयार्ड में मुनक्कद हुई, जहाँ INS विक्रांत को पानी में उतारा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत इस तारीखी कामयाबी के साथ ही त्यारा बरदार जंगी जहाज बनाने वाले दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। विक्रांत ने भारत को एक नया इत्मीनान दिया है। विक्रांत एक खुद इंसार भारत की अलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सातवां बड़ा बहरी बेड़ा है, जिसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। 45,000 टन वजनी इस बेड़े की तैयारी पर 20,000 करोड़ भारतीय रुपए लागत आई है। इस जहाज का अर्शा 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, जबकि इसकी ऊंचाई 18 मंजिला इमारत के बराबर है। इस जहाज में 2400 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें अमले के 16,000 अफराद बैक वक्त रह सकते हैं। इसके डेक पर एक वक्त में 30 लड़ाका तैयार रखे जा सकते हैं। इस बेड़े के अंदर 16 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल और जदीद तरीन सहूलियात से आराजता इमरजेंसी मेडिकल केयर यूनिट भी बनाया गया है। INS विक्रांत पर तैयारों की लैंडिंग की मशक नवंबर में शुरू की जाएगी, जो मुमकिन तौर पर 2023 के वक्त तक मुकम्मल हो जाएगी। वाजिया रहे कि इससे कबल त्यारा बरदार जंगी बेड़े बनाने की सलाहियत सिर्फ अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस के पास थी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल फॉर ऑल के आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।